हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे एग्री पावर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं हूं शरद और जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर हमारे टॉप मोस्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो थे एंटो के डिस्कस किए थे उसी क्लास के साथ हम फिर से लौट चुके हैं जिसके अंदर हम uh, दो नेक्स्ट हमारे ट्वेंटी फाइव इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन हैं वो आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तो आइए स्टूडेंट्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास के तो देखिए आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर इनका जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि जो भी हमारे आने वाली वैकेंसीज है जो अभी वैकेंसियाँ चल रही हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है अभी जो हमारी आगामी वैकेंसी जैसे है एडीओ ठीक है एडियो के अंदर भी यहाँ से आपकी काफ़ी सारी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को तो हमारा आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए स्टूडेंट क्या है इमिडाक्लोरपिड देखो इमिडाक्लोरपिड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड देख स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इमिडाक्लोरपिड है ये इमिडाक्लोरपिड जो जनरली यूज में लिया जाता है ये एक तरीके का सकिंग इंसेक्टिसाइड्स के लिए काम में लेता है जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है उनके लिए काम में ले जाने वाला बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड है ठीक है जो इमिडाक्लोरपिड है जनरली इसका यूज किस लिए किया जाता है किस तरीके के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है भाई सकिंग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है और जो इसका ग्रुप है वो कौन सा है आपके पास में नियोनिकेटिनोइड ठीक है नियोनिकेटिनॉइड्स जो ग्रुप है उसमें क्या है इसको रखा जाता है तो देखिए यहाँ से आपके दो चीज क्लियर हुई हैं एक तो जो इम्यूडोक्लोरपिड है वो किसके किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं भाई सकिंग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं और दूसरा जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वो कौन सा ग्रुप है नियोनिकेटिनॉइड्स ग्रुप है ठीक है आई बात समझ में अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हमारे जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास तीन चीज़ है ठीक है एक तो नियोनिकटी है इसके बाद दूसरा है पायरेथ्रम ठीक है भाई देखो पायरेथ्रम जो है ये क्या होते हैं जनरली <coughs> फ्लावर से एक्सट्रे उनको फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दूसरी बात यह है कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर दो तरीके के एक तो होता भाई नेचुरल पायरेथ्रम और दूसरा होता है सिंथेटिक ठीक है नेचुरल पायरेथ्रम और दूसरा कौन सा है सिंथेटिक दोनों ही तरह के जो पायरेथरे पायरेथ्रम है और जो पायरेथ्रम से निकलने वाला जो इंसेक्टिसाइड जो होंगे उनको क्या बोलते हैं भाई पायरेथ्रोइ्स बोलते हैं ठीक है पायरेथ्रोइ्स क्या होते हैं पायरेथोइट्स क्या होते हैं भाई पायरेथ्रम जो होंगे उनके जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है पायरेथ्रोइ्स बोला जाता है और देखिए इसके बाद में है रोटेनोन ठीक है रोटेनोन पायरेथ्रम और नीम ये तीनों ही कैसे हैं भाई बोटेनिकल हैं तीनों ही क्या हैं बोटेनिकल्स हैं भाई बोटेनिकल्स क्या होते हैं ऐसे इंसेक्टिसाइड जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं जिनको प्लांट से क्या किया जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है जैसे कि देखो पायरेथ्रम जो है किसके फ्लावर से एक्सट्रेक्ट किया जाता है क्राइसेंथेमम सीनेरियफोलियम कई बार आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरेथरम इज एक्सट्रेक्टेड विद एक्सट्रेटेड फ्रॉम विच फ्लावर्स ठीक है कि किस तरीके के जो प्लांट्स हैं किस तरीके के फ्लावर्स से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो क्राइसेंथेमम सीनेरियफोलियम से क्या एक्सट्रेक्ट किया जाता है भाई पायरेथ्रम है और दूसरी जो दूसरी जो है हमारे पास रोटेनॉन भाई रोटेनॉन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में आर पी का जो पेपर लगा था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था देखो रोटेनॉन इज डिराइड फ्रॉम रूट्स ऑफ डेरिस इलेप्टिका भाई डेरिस इलेप्टिका क्या है एक तरीके का प्लांट है ठीक है उस प्लांट की कहाँ से किस जगह से भाई रोटेनॉन ठीक सॉरी रूट्स जो है रूट्स के ऊपर से क्या आ, किसको प्राप्त किया जाता है रोटेनॉन को ठीक है रोटेनॉन भी क्या है एक तरीके का बोटेनिकल है यह प्लांट से हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरा है जो है हमारे पास में वो है एजेडारेक्टिन भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं एजेडारेक्टिन क्या होता है नीम होता है ठीक है और इसकी जो कर्नेल्स जो होंगी यानी कि नीम का जो सीड होता है या हम जिसको करनेल्स बोलते हैं देखो इन करनेल से क्या होगा एन बनता है नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट ठीक है नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट जो है उसको हम एज अ इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं कई तरह के बोरर्स के लिए या हम बात करें लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट पेस्ट के लिए हम नीम के जो प्रोडक्ट हैं वो काम में लेते हैं तो ये क्या था उस पीछे वाले क्वेश्चन का कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन था जो आपको जानना जरूरी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है इसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एकेरिसाइड देखिए ये क्वेश्चन जो है वो उसका क्या मतलब है कि निम्न में से कौन सा एक एकरीसाइड है देखिए एकड का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देना चाहता हूं कि ऐसा केमिकल है ना जो किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं भाई माइट्स के लिए ठीक है ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए कि एकसाइड को किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं हम माइट्स को ठीक है माइट्स को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाने वाला केमिकल क्या कहलाता है एक कहलाता है और जो हमारे पास में चार यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं इन चार ऑप्शन के अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स डाइकोफोल ठीक है डाइकोफोल क्या है एक तरीके का है है ठीक डाइकोफोल है, क्या है भाई एक तरीके का एकरिसाइड है जो किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं जिसको माइट्स को ठीक है तो यहां से आपको दो चीज क्लियर हुई है कि भाई जो डाइकोफोल होता है वो क्या है है किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं माइट्स को कंट्रोल करने के लिए काम में इसको लिया जाता है ठीक है यहाँ तक हुआ क्लियर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए एच ए एन पी वी भाई पिछली क्लास जो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हेली को आर्मी जेरा को कंट्रोल करने के लिए हम किसका काम में लेते थे भाई एन पी वी का यूज लेते थे अब वो एन पी वी किस तरीके का है हेलीकॉर्पा को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं उससे हेलीकॉर्पा को अगर उसको अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो हैलीकोवरपा आर्मी जेरा ये क्या है भाई उसका इंडिकेशन है कि ये जो पर्टिकुलर एन है वो किसको कंट्रोल करने के लिए काम में ले जा रहा है हेलीकॉरपा आर्मी जेरा तो ये एच ए का जो मीनिंग है वो क्या है हेलीकॉरपा आर्मी जेरा तो देखो जब भी आपको एच ए एन पी वी अगर कहीं पर क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका आंसर क्या जाएगा हमेशा भाई हेलीकर्पा आर्मी जेरा जाएगा ठीक है एच ए एन पी वी कैन बी यूज फॉर कंट्रोल ऑफ तो एच ए एन पी वी का किसमें यूज लिया जाता है भाई किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं हेलीकोरपा आर्मी जेरा को ठीक हो ठीक है यहां तक आई बात समझ में अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन <next question> है इन स्टोरेज मेजर पेस्ट ऑफ राइस कि भाई स्टोर ग्रैंड पेस्ट की अगर हम बात करें कि ऐसे इंसेक्ट पेस्ट जो कहां पर इफेक्ट करते हैं जो भी हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स जो होंगे ठीक है जो भी स्टोर्ड ग्रेन्स जो होते हैं उनको अगर इन्फेक्ट करने वाले उन पर अटैक करने वाले जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई स्टोर्ड ग्रेट इंसेक्ट बोलते हैं और क्या होता है यहां पर हम अगर हमको क्वेश्चन पूछा है कि वन इज द मेजर पेस्ट ऑफ राइस कि राइस का मेजर पेस्ट कौन सा है तो देखो भाई फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में कोर सायरा सेफेलोनिका ठीक है कोरसायरस सेफेलोनिका जो है भाई ये इसका राइट आंसर है और कोरसायरस सेफेलोनिका जो है इसका कॉमन नेम जो होता है भाई वो होता है राइस मील मोथ ठीक है इसका कॉमन नेम क्या होता है भाई राइस मील मोथ होता है और देखो इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसको क्या करते हैं मास रियरिंग जो भी हमारे क्या होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो होंगे उसके लिए क्या करते हैं मास रियरिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स तो हमसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसका किस में यूज में लिया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के मास रियरिंग के लिए कौन सा इंसेक्ट यूज में लेते हैं भाई वो हम लेते हैं कोर सायरा सेफेलोनिका से यहाँ तक आपको दो पॉइंट क्लियर हुए हैं इसका जो कॉमन नेम है वो है राइस मिल मोथ है और ये क्या है मास रियरिंग की जाती है इसकी किसके लिए भाई क्यों करेंगे इसकी मास रियरिंग वो करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को आ, इस पर रियर करवाने के लिए और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कैसा है भाई सेकेंडरी पेस्ट है ये कैसा है सेकेंडरी ग्रेन पेस्ट है सेकेंडरी स्टोर ग्रेन पेस्ट है ये मतलब जो चावल जो होते हैं चावल के दानों पर क्या करता है फीड करता है और क्या कर देता है उनकी वेबिंग कर देता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबिंग कर देगा वेबिंग का मतलब होता है उसको उस पर मतलब जाला बना लेता है और सारे दानों को क्या कर लेता है एक जगह इकट्ठा कर लेता है यहाँ तक आई बात समझ में इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है पैक्टिनोफेरा गोसे पीएला. देखो भाई पैक्टिनो फेरा जो है हमने पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि पिंक बोलवर्म ठीक है पिंक बोलवर्म क्या था किसका पेस्ट था भाई पिंक बोलवर्म जो पेस्ट था वो है कॉटन का तो पैक्टिनोफोरा गोसेपियला का जो कॉमन नेम है वो क्या है पिंक बोलवर्म है ठीक है तो आपको क्या है इनके साइंटिफिक नेम के साथ साथ में इनका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए जो आपको खास करके अगर हम बात करें तो आर एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर और जो भी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम लगते हैं वो और अभी जो ए का एग्ज़ाम लगने वाला है खास इन जो स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं ठीक है जो आ, पर्टिकुलर स्टेट की पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनके अंदर जो क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं वो भाई वहाँ की पर्टिकुलर जो लोकल क्रॉप्स हैं ठीक है वहाँ की जो फसलें हैं उन फसलों को इन्फेक्ट करने वाले इंसेक्ट्स के नाम आपसे पूछ जाते हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पैक्टिनोफोरा गोसे पीला जो है ये क्या होता है भाई ये इसका नाम जो है पिंक बॉल वर्म होता है ठीक है अब जैसा कि आपको पता है पिंक बॉल वर्म जो है वो किसका पेस्ट है तो वो है भाई कॉटन का यहाँ तक आई बात समझ में पिंक बॉल वर्म जो है वो किसका पेस्ट होता है वो होता है कॉटन का अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा <coughs> हेटोरेप्टेडिस स्पीशीज भाई देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कंट्रोल बेस्ड क्वेश्चन है देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ई देखो ई क्या होते हैं एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स ठीक है तो हेटेरोप्टेडिस क्या है एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड है सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड है कौन हैटेरोपटेडिस तो इनका हमने आ, किस किस लिए यूज़ में लेते हैं हम इसको पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था उसका हमने देखा था कि रूट ग्रब्स के लिए हम काम में ले रहे थे ठीक है रूट ग्रब्स जो होंगे वो देखो वाइट ग्रब जो बीटल है ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था ठीक है हेटे जो स्पीशीज है किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं भाई वाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है और वाइट ग्रब जो होता है वो कैसा है रूट बोरर है ठीक है वाइट ग्रब कैसा है रूट बोरर है रूट्स के ऊपर फीडिंग करता है ठीक है और क्या होता है ये ठीक है है क्या इसका साइंटिफिक नेम है तो यहां तक आई बात समझ में क्या है भाई एंटोमोपैथोजेनिक है और किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं इसको वाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए इसको काम में लिया जाता है देन इसके बाद में जो है नेक्स्ट वो है डायमंड बेकमोथ भाई देखो डायमंड बेकमोथ जो है आपका वो किसका पेस्ट है डायमंड बेकमोथ जो है वो है आपका कैबेज का पेस्ट है ठीक है भाई कैबेज का पेस्ट है और जो डायमंड बेकमोथ है कैबेज का पेस्ट है इसको क्या बोलते हैं भाई प्लूटेला प्लूटेला जाइलोस्टेला ठीक है प्लूटेला जाइलोस्टेला क्या है इसका साइंटिफिक नेम है ठीक है आई बात यहां तक समझ में इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है मेलेनोग्रेमाइजा ऑप्टुसा मेलेनोग्रेमाइजा ऑफ टूसा देखो मेलेनोग्रेमाइज़ा ऑफ टूसा क्या होता है भाई ये होता है आपके पास में इसको बोलते हैं पर्ड फ्लाई <laughs> मेलेनोग्रामाइजा ऑपटूसा का जो कॉमन नेम है वो है पर्ड फ्लाई है ठीक है और आपसे क्या होता है इसकी कई बार फैमिली पूछते हैं ठीक है इसकी क्या पूछते हैं फैमिली पूछते हैं तो इसकी फैमिली जो है वो है एग्रोमाइजडी इसकी फैमिली क्या होती है भाई एग्रोमाइजडी होती है और इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर जो होता है भाई वो होता है आपका डिप्टेरा क्या होता है ऑर्डर क्या होता है डिप्टेरा होता है पौड़ फ्लाई है ये ठीक है अब देखो पौड़ किस में बनती है ये जो सारी की सारी क्रॉप्स है इसके अंदर जो पौड है वो आपके बनेगी भाई रेड ग्राम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी पूछी जाती है वो पूछा जाता है प्यूपेशन कहाँ होता है ठीक है पॉड फ्लाई का प्यूपेशन कहाँ होगा भाई पॉड फ्लाई का जो प्यूपेशन होता है आपके वो होता है इनसाइड द पोर्ड ठीक है वो कहाँ होता है इनसाइड द पोर्ड तो ये क्या है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए है कि भाई मेलोनोग्रामाइसा ऑप्टुसा क्या होता है बर्डफ्लाई का नाम है इसकी फैमिली क्या होती है एग्रोमाइजी होती है इसका ऑर्डर क्या होता है डिप्टेरा होता है इसका प्यूपेशन कहाँ होता है सोइल के सॉरी पोड के अंदर होता है और इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी इसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है भाई इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है मैगट इसके डैमेजिंग स्टेज को क्या कहते हैं मैगट कहते हैं तो इस पेट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी की सारी हमने क्या कर ली है इस क्वेश्चन में डिस्कस कर ली है इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको बाकी के जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ट्राइकोग्रामा चिलोनिस ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो है पैरासीटोइड यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ देखो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस पैरासिटोइड है वो किसके यूज़ के लिए किया जाता है किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लिया जाएगा भाई जाहिर सी बात है ये कंट्रोल करता है किसको बॉल वर्म्स को मैंने आपको पहले बता दिया था ट्राइगोग्रामा चिलोनिस का जो मैक्सिमम यूज़ है वो लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट है वो कौन से हैं भाई ओनली कॉटन बॉलवर्म है तो इनको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज लिया जाता है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस को लिया जाता है और ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो है वो कैसा है एग पैरासिटोइड है भाई ठीक है ये एग पैरासीटोइड है कौन सा ये जो क्वेश्चन है आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइकोग्रामा इज अ टाइप ऑफ पैरासीटोइड कि ट्राइकोग्रामा जो है किस तरीके का पैरासीटोइड है भाई एग पैरासीटोइड है वो ठीक है आई बात यहाँ तक समझ में दे नेक्स्ट जो है हमारा बेसिलस थ्रेंगे इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ भाई देखो बेसिलस थ्रेंगे जो है बेसिलस थ्रेंगे को क्या कहा जाता है भाई बेटी ठीक है ठीक है बेसिलस थुरेंगे क्या होता है भाई बेटी होता है बेटी को किसको बेटी जो है किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है स्टूडेंट्स वो कंट्रोल करने के देखो मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाता हूँ डायमंड बेकमोथ जो है ठीक है डायमंड बेकमोथ जो है कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा डायमंड बैक मोथ जो होगा वो इसका आंसर जाएगा अब हम बात करते हैं फ्रूट सकिंग मोथ देखो फ्रूट सकिंग मोथ है ये भी लेपिडोप्टेरियन है लेकिन ये कौन से स्टेज है भाई ये इसकी एडल्ट स्टेज है ठीक है ये क्या है इसकी एडल्ट स्टेज है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो बेटी होता है ओनली किस पर अटैक करता है भाई लार्वल स्टेज पर देखो भाई एक आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो बेटी हम कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं ये इंसेक्ट के सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज को कंट्रोल करेगा ठीक है तो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हम किसका स्प्रे करते हैं भाई किसका यूज़ करते हैं बेसिलस थुरेंगे जिनेसिस और बेसिलस थुरेंगे जिनेसिस भी हम किसको कंट्रोल करेंगे इससे डायमंड बैक मौथ को हम इसको कंट्रोल करेंगे तो यहाँ तक आई बात समझ में आपके पास में देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है येलो एंड विचिस ब्रोम सिम्टम्स इज कोज बाई देखो भाई इस तरीके के जो सिम्टम है आपके फाइटोप्लाज्मा जो है वो ट्रांसमिट फाइटो फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है और ये जो फाइटोप्लाज्मा है जनरली इसको ट्रांसमिट कौन करता है लीफ ऑपर्स करते हैं ठीक है लीफ ऑपरस जो हैं वो क्या होंगे फाइटो फाइटोप्लाज्मा है उनको ट्रांस फाइटोप्लाज्मा की वजह से इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन द हेमिप्टेरस इंसेक्ट भाई देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हैमिप्टेरस होते हैं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो हेमिप्टेरा ऑर्डर है भाई जो ऑर्डर हैमिप्टेरा है इसमें जितने भी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं सकिंग इंसेक्ट पेस्ट जो होंगे वो किससे बिलोंग करते हैं भाई सकिंग इंसेक्ट पेस्ट किससे बिलोंग करते हैं कौन से ऑर्डर में आते हैं ये सारे के सारे हेमिप्टेरा में आते हैं ठीक है पहली चीज़ क्या है कि हेमिप्टेरा में, में किस तरीके के इंसेक्ट आते हैं सकिंग इंसेक्ट पेस्ट जितने भी होंगे वो कौन से ऑर्डर में आते हैं भाई हेमिप्टेरा है में, में आते हैं और देखो कि हेमिपटेरास है, है तो इसमें किस तरीके के माउथ पार्ट्स पाए जाएंगे आपको सभी को मालूम है सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है तो सक करने के लिए किस तरीके के माउथ पार्ट्स का होना ज़रूरी है वो है आपके पास में पियरसिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं ठीक है इस तरीके के जो माउथ पार्ट्स है वो किसने पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सकिंग इंसेक्ट पेस्ट में होते हैं और सकिंग इंसेक्ट पेस्ट जो है आपका हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है ठीक है हेमिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाने वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे सकिंग इंसेक्ट होंगे और सकिंग इंसेक्ट में किस तरीके के माउथ पार्ट पाए जाते हैं भाई पीयर एंड सकिंग तो जब भी आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन द हेमिप्टेरस इंसेक्ट ठीक है हेमिप्टेरा में सकिंग पेस्ट आते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ और सभी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट में किस तरीके के माउथ पार्ट होते हैं भाई पियरसिंग और सकिंग माउथ पार्टिस में पाए जाते हैं तो यहाँ तक आई बात क्लियर यहाँ तक हुआ आपको क्लियर देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं देखो वैक्स ग्लैंड आर फाउंड्स ऑन विच एबडोमिनल सेगमेंट इन हनी बी भाई देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो वैक्स ग्लैंड है ठीक हनी बी में जो वैक्स ग्लैंड होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है देखो वैक्स ग्लैंड जो है इसका मेन फंक्शन होता है वैक्स के सीक्रेशन का देखो वैक्स का सीक्रेशन जो है हनी बी में किस काम में आता है फॉर्मेशन ऑफ हनी हनी कॉम ठीक है जो हनी बी के अंदर जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस छत्ते को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई वैक्स की जरूरत पड़ती है ठीक है फॉर्मेशन ऑफ हनी कोम्ब ठीक है तो कॉम्ब बनाने के लिए हनी बी को किसकी आवश्यकता पड़ती है वैक्स की आवश्यकता पड़ती है और ये जो वैक्स है वो कहाँ से सीक्रेट होती है भाई वैक्स ग्लैंड से सीक्रेट होती है अब हमारा क्वेश्चन क्या है देखो इसको समझो क्वेश्चन ये है कि वैक्स ग्लैंड हनी बी में कौन से एब्डोमिनल पार्ट पर प्रेजेंट होती है या कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होती है तो देखिए स्टूडेंट्स इसका सही आंसर जो जाएगा आपका वो होगा फोर टू सेवन ठीक है फोर टू सेवन जो सेगमेंट है इसके ऊपर क्या है जो हनी बी के आ, क्या प्रेजेंट होती है वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ठीक है देखिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको जो प्री पीजी के एग्जामिनेशन होते हैं या जो बी के पीई के जो एग्जामिनेशन होते हैं खास कर उन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए वो है मेल पीजेंट टीब्यूल्स आर रिलेटेड टू भाई देखो मेल पीजन टिब्यूल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है देखो भाई मेल पीजन टीब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है ये जुड़े हुए हैं किससे एक्सक्रीशन से आप सभी को मालूम होगा कि इंसेक्ट के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे उनको क्या करना बॉडी से बाहर निकालने की या बाहर रिमूव करने की जो पूरी प्रोसेस या पूरी उस प्रोसेस के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम और उस एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट कौन है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ठीक है उस एक्सक्रीशन का पार्ट कौन है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है तो यहां तक आई बात समझ में पता चला मेलपीजियन ट्यूबल्स किसका पार्ट है भाई एक्सक्रीशन सिस्टम ये क्या है पूरा का पूरा सिस्टम है एक्सक्रीशन क्या है पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसका पार्ट कौन है मेलपिजन ट्रिब्यूल्स तो यहाँ तक हुआ क्लियर देन इसके बाद में जो है देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अभी लेटेस्ट काफी एग्जाम्स में पूछा गया है अभी ये जो प्रश्न है हाल ही में आर पी का जो ए का एग्जाम लगा था और डबल ए का जो एग्जाम लगा था उन दोनों एग्जाम्स में क्या हुआ है इस क्वेश्चन को पूछा गया है भाई ठीक है एंड जो हमारा सब्जेक्ट uh, है उसमें क्या हुआ है इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इतने हाई लेवल के एग्जाम्स में अगर पूछे जा रहे हैं इट मीन्स दे आर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है एग्जामिनेशन uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी बार बार पूछे जाते हैं ठीक है देखो येलो लेबल भाई सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है येलो लेबल इंसेक्टिसाइड रिप्रजेंट द टॉक्सिक लेवल देखो येलो लेवल जब भी आएगा अब देखो हम बात करें किसकी एक्सट्रीमली टॉक्सिक भाई जहाँ पर भी एक्स्ट्रीमली टॉक्सिक अगर आपको लिखा हुआ है तो वहाँ पर लेवल कौन सा होता है भाई वहाँ होता है आपके पास में रेड भाई एक्सट्रीमली टॉक्सिक है तो वहाँ पर किस तरीके का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ रेड कलर का लेवल देखने के लिए मिलेगा और हाईली टॉक्सिक भाई देखो दोनों अलग अलग टर्म है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक है तो वो कौन सा लेवल का होगा रेड लेवल आपको वहां दिखाई देगा देन हाईली टॉक्सिक जो है यहां पर कौन सा लेवल आपको दिखाई देता है भाई येलो ठीक है यहाँ पर आपको कौन सा लेवल दिखाई देता है येलो कलर का लेवल आपको दिखाई देगा और यही क्या है आपका प्रश्न का उत्तर है भाई यही चीज तो पूछा ही है कि येलो लेवल जो है वो किस तरीके के इंसेक्टिसाइड में प्रेजेंट होता है तो वो होता है भाई हाईली टॉक्सिक जो इंसेक्टिसाइड है उनका जो लेवल होता है वो कौन सा होता है येलो लेवल होता है देन इसके बाद में जो मॉडरेटली टॉक्सिक जो होंगे ठीक है मॉडरेट टॉक्सिकली का जो लेवल होता है वो किस रंग का होता है भाई ब्लू रंग का होता है ठीक है और अगर हम बात करें स्लाइटली टॉक्सिक मतलब जो बहुत ही कम टॉक्सिक हैं उनका जो लेवल होता है जनरली कैसा होता है वो ग्रीन ठीक है उनका लेवल कैसा होता है जनरली ग्रीन होता है तो भाई इन अलग अलग लेबल के किसको कलर को देख करके आप क्या लगा सकते हो उनकी टॉक्सिसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो और यही प्रश्न जो है इस बार एग्जाम में यहाँ पर आरपीएससी ने पूछा था कि येलो कलर का अगर लेबल लगा हुआ है इसका मतलब वो कैसा है हाईली टॉक्सिक है उसका नेचर कैसा है इंसेक्टिसाइड का हाईली टॉक्सिक है यहाँ तक आई बात समझ में अब आइए हम आगे चलते हैं देखो साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन लीफ होपर ऑफ राइस भाई देखो ग्रीन लीफ होपर का साइंटिफिक नेम क्या है ग्रीन लीफ होपर का साइंटिफिक नेम क्या है तो देखो इसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास में नेफोटेटिक्स निग्रोपेक्टिस ठीक है नेफोट नेफोटेटिक्स निग्रोपैक्टिस क्या है इसका साइंटिफिक नेम है इसके अलावा एक स्पीशीज़ और पाई जाती है नेफोटेटिक्स निग्रोपेक्टिस uh, के अलावा वेरीसेंस भी और एक स्पीशीज़ होती है वो भी जाती है ठीक है तो इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है इन एग ऑफ इंसेक्ट फुल डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन भाई देखो क्या होता है कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं एग का डेवलपमेंट कर लेते हैं या उनसे पूरा का पूरा इंसेक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के ठीक है विदाउट मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन के भी अगर एग का डेवलपमेंट हो रहा है और उससे नया इंसेक्ट बन रहा है या उससे इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इस तरीके का जो फिनोमिन जो होगा इस तरीके की जो मतलब प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है भाई <coughs> इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस भाई किसका है आ, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है ये क्या होता है भाई डेवलपमेंट होता है कैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो यहां तक आई बात सभी को समझ में तो ये हमारे को क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर क्या है हमको समझना है कि जो अगर कोई इंसेक्ट है उसका विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है भाई पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है ठीक है आई बात यहाँ तक समझ में देन इसके बाद जो है नेक्स्ट विच वन इज द विंगलेस प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट भाई देखिए निम्न निम में से ऐसा कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जिसमें क्या नहीं पाए जाते विंग्स नहीं पाए जाते ठीक है तो देखो इसके अंदर जो आ, हम बात करते हैं इसका इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होता है भाई वो आपके जाएगा प्रोट्यूरा ठीक है भाई प्रोट्यूरा जो है ये कैसा इंसेक्ट ऑर्डर है प्रिमिटिव इंसेक्ट ऑर्डर है ठीक है प्रीमेटिव इंसेक्ट ऑर्डर है और प्रीमेटिव इंसेक्ट ऑर्डर होने की वजह से क्या नहीं होते इसमें विंग्स एबसेंट होते हैं ठीक है विंग्स एबसेंट होते हैं और देखिए स्टूडेंट्स प्रोटूरा के अलावा यहाँ से आपको कई और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ विंगलेस ऑर्डर या विच वन इज द प्रेमेटिव इंसेक्ट ऑर्डर कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर हैं जिनमें क्या नहीं पाए जाते विंग्स नहीं पाए जाते तो भाई एक है आपका प्रोटूरा के अलावा एक है डिपल्यूरा ठीक है एक है आपका थाईसाइन्यूरा ठीक है थाईसाइन में आपके क्या आते हैं भाई ब्रिस्टल uh, टेल्स या हम बोले सिल्वर फिश ठीक है ये क्या है आपके पास में कुछ ऐसे एग्जांपल है प्रीमेटिव इंसेक्ट ऑर्डर के और इसके अलावा आता है आपके पास में कोलेम्बोला बोला के अंदर कौन सा इंसेक्ट आता है भाई स्नो फ्लीज ठीक है तो ये देखो ये बाकी के तीन इंसेक्ट ऑर्डर भी कैसे हैं प्रीमिटिव विंगलेस इंसेक्ट विंगलेस इंसेक्ट ऑर्डर हैं जिनमें क्या नहीं पाए जाते भाई विंग्स एबसेंट होते हैं या इनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं ठीक है यहाँ तक आई बात समझ में देन इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट देखो वापस हम बात करते किसकी एन की एन पी वी इज़ यूज एट विच स्टेज ऑफ इंसेक्ट कि भाई एन पी वी का जो हम यूज़ में लेते हैं एन पी वी क्या होते हैं भाई न्यूक्लियो पोलिहाइड्रल वायरस जो होंगे उनका यूज़ जो होगा वो कौन सी स्टेज पर कर किया जाता है ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एन पी वी से रिलेटेड भाई कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है एन पी वी का जो यूज़ है वो कौन सी स्टेज पर करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था भाई जो लार्वल स्टेज जो होती है इंसेट की उस लार्वल स्टेज पे क्या किया जाता है एनपीवी का यूज किया जाता है और एनपीवी का यूज भी कौन सी से स्टेज सेकेंड या थर्ड लार्वल इंस्टार भाई इससे ज्यादा डीप आपको यहां से नहीं पूछेगा अगर डीप में जाकर वो इंस्टार अगर आपसे पूछता है तो वो टू और थर्ड सेकेंड और थर्ड लावल इंस्टार जो है वो मोस्ट इसके लिए क्या होते हैं ससेप्टेबल कंडीशन होती है अगर सेकेंड या थर्ड इंस्टार पे अगर हम एन पी वी का यू स्प्रे uh, कर देते हैं या एन पी वी का यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑन मोस्ट जो केसेस में इंसेक्ट क्या है वो मर जाता है ठीक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है इसी के साथ हमारा जो आज की क्लास का लास्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई डबल सीड इन कॉटन इज कोज बाई भाई देखो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डबल सीड कंडीशन भाई डबल सीड कंडीशन क्या होती है कॉटन की जो बॉल्स होती हैं ठीक है कॉटन की बॉल के अंदर पिंक बॉल वर्म का जो प्यूपा होता है उस पिंक बॉल वर्म के प्यूपा का क्या कर जाना हाइबरनेट कर जाना ठीक है मतलब उसका हाइबरनेशन में चले जाना वो क्या कहलाती है डबल सीड कंडीशन होती है और डबल सीड कंडीशन के कौन से इंसेक्ट द्वारा होती है भाई वो होती है आपके पिंक बॉलवर्म ठीक है पिंक बॉलवर्म किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है भाई कॉटन का ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है और डबल सीड कंडीशन में देखिए क्या होता है सपोज ये कॉटन की बॉल है इस कॉटन की बॉल के अंदर क्या है ये कॉटन के सीड है ठीक है इस कॉटन के सीड हैं तो लार्वा भी क्या होता है यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है प्यपेशन में चला जाता है तो इस तरीके से आप देखो दो आपस में जो बॉल के दो सेप्टा होंगे वो आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर क्या होंगे आपको ये डबल सीड लाइक कंडीशन यहाँ पर दिखाई देगी ठीक है डबल सीड लाइक कंडीशन दिखाई देगी इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई डबल सीड कंडीशन बोलते हैं और ये डबल सीड कंडीशन जो है वो कौन 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 बनाता है पिंक बॉल बनाता है तो देखिए स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है